दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारतीय टीम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युवराज सिंह की वापसी होनी चाहिए तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि 2019 का विश्व कप बहुत ही ज्यादा नजदीक है और इससे पहले भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 और वनडे श्रृंखला खेलेगी। भारतीय टीम इन मैचों में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहेगी क्योंकि इस सीरीज के बाद भारतीय टीम को ज्यादा मैच खेलने को नहीं मिलेंगे। वहीं इस सीरीज की शुरुआत T20 सीरीज से होगी, जिसका पहला T20 मैच 24 फरवरी को शाम 7 बजे से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। वहीं इस वनडे व T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन होना अभी बाकी है, लेकिन इस सीरीज में ओपनर रोहित शर्मा व शिखर धवन को वर्ल्ड कप को देखते हुए आराम दिया जा सकता है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में ओपनर केएल राहुल व युवराज सिंह जैसे दिग्गजों की वापसी हो सकती है। वही गौरतलब है कि केएल राहुल ने इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए इंग्लैंड लायंस के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट में 89 रनों की शानदार पारी खेली है, तो वही युवराज सिंह ने हाल ही में DY पाटिल T20 कप में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसके चलते इन दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में मुका दिया जा सकता है और वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए युवराज सिंह को टीम में शामिल करना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि युवराज सिंह बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं और अगर वे अच्छी लय में आ जाए तो वे किसी भी टीम की धज्जियां उड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपके मुताबिक युवराज सिंह की इस आने वाले मुकाबले में वापसी होनी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा जरूर दीजिएगा।